पिछले करीब 1000 सालों से हिंदुत्व या हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हम आज भी हैं, हमें इसे मजबूत करना होगा। दूसरे लोगों के कामों की चिंता न करें, हमें इसे मजबूत करके इसे आकर्षक बनाना होगा ताकि लोग इसे अपनाएं। हमें जाति और पंथ के सभी भेदभाव खत्म करने होंगे ताकि सभी इंसान हिंदू ढांचे के भीतर गरिमा के साथ रह सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोगों को निश्चित रूप से खो देंगे। हिंदुत्व का खात्मा अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, पर हिंदुत्व का खात्मा हमारे गांव में, हमारे शहरों में हो रहा है, क्योंकि हमने अपने ही लोगों के साथ भेदभाव किया है। इन सीमाओं को तोड़ने का यही समय है और ये बहुत जरूरी है, सभी सीमाओं को तोड़ देना, ताकि आप लोगों को उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके गुणों से पहचाने। अगर आप ये काम करें तो कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू ही पूरी दुनिया का भविष्य है। क्योंकि आज दुनिया में युवा बहुत तार्किक हो गए हैं, इंसानी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि अब उन्हें कोई भी तर्कहीन चीज स्वीकार नहीं है। तो तर्कहीन बातें और स्वर्ग का लालच, अब ये चीजें नहीं चलेंगी। अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता। ये इकलौती संस्कृति है जिसने मानव सिस्टम को इतनी गहराई से समझा है, और अगर इसे दुनिया को ठीक से भेंट किया जाए तो यही दुनिया का भविष्य होगा। क्योंकि एक विकसित बुद्धि को सिर्फ यही चीज पसंद आती है, क्योंकि ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है बल्कि ये खुशहाली का विज्ञान और तकनीक है। ये जीने का और मुक्ति पाने का विज्ञान और तकनीक है। तो ये अतीत की बात नहीं है। आप सभी हमेशा इसे याद रखें कि सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है। ये अतीत की परंपरा नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये हमारा भविष्य है। अगर हम इसे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अकेला छोड़ दें। जो मूल्यवान है आप उसे मजबूत बनाएं। हमें अमूल्य चीजों को मजबूत करना होगा। वे चाहे जो करें, वे हजारों सालों से कर रहे हैं। इसमें अगर हम एक साथ मिलकर काम करें और उन दीवारों को तोड़ दें जो हमें बांटती हैं, तो इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता।